से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं एसएसटी का यूनिट नंबर सेकंड मैप्स से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, हाउ कैन वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑन ए मैप। एक मैप पे हम डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर आगे देखिए, आंसर होगा, तो इसका आंसर है फॉर दिस, इसके लिए, फर्स्ट प्लेस ए मैप ऑफ इंडिया आने वाल, हिंदुस्तान का जो नक्शा है उसको आपने वॉल पे लटका के रखना है, ठीक है। द अपर एंड ऑफ मैप, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमें क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। एंड द लोअर एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स साउथ, जो नीचे वाला होगा उसको क्या कहेंगे? साउथ। द राइट हैंड साइड इंडिकेट्स ईस्ट, आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो कौन सी होगी आपकी? ईस्ट, मशरिक वाली, जहां से सूरज निकलता है, ठीक है। एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इंडिकेट्स वेस्ट डायरेक्शन, और जो आपकी मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेस्ट डायरेक्शन, मगरिब डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक जो मैप होता है इंडिया का उसको आपने दीवार के साथ लटकाना है। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो आपका नॉर्थ होगा, जो नीचे वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे? साउथ होगा, समझ आ गई। और राइट हैंड साइड जो होगा आपका वो आपका ईस्ट होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको क्या हम कहेंगे? वेस्ट होगा। इसको देखने के लिए आप, अगर आपके पास अगर मैप नहीं होगा तो आपकी जो बुक है एसएसटी की पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक मैप दिया हुआ, इस मैप पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो इधर दिया हुआ, ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना और होमवर्क भी करना, ठीक है, साथ साथ तैयारी भी करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।